हाँ जी, बब्बू मान जी का इंटरव्यू आया है, देखते देखते हैं जी। अज आप चीक्का मारने भी सरहद तो पार आप मिस करते हैं, अज आप तरसने एक दूजे मिलने, वही पंजाबी उत्थे, वही पंजाबी इत्थे, वही खून है, वही ब्लड रहना, वही ये रेस है, पाकिस्तान की बात हो रही है। वही नस्ल है। क्यों? क्योंकि असी भी मगर लग गए। गल तो है भी भीड़ का हिस्सा ना बनो, तो सियाणा बंदा कदे भीड़ च नहीं खड़ता। मसला की है कि सानू हर पंजाबी नू हर खेती करने वाले भारतीय किसान नू सियाणे बनना पैना है। ये जिहड़े लोग हुंदे आ मुतबर, ये सानू भीड़ दे रूप च वरतदे आ, पथराव भी तां ही हुंदा है। इस करके मैनू लगदा है भीड़ बनना छड्डिए। जे सानू लगदा कि इधर नू तुरना, पहला पुछना पऊगा कि ये राह अगे खदान है कि खड्डा है, जी सानू देखना पऊगा, फिर सानू टोकना पऊगा ना ये गलत राह है। सो ये चीज़ां दा मुलांकण बजुर्ग करनगे, कौन सही है कौन गलत है। सर किसानी आगू जिहड़े चाहे वह ग्रेवाल साहब होण, चाहे राकेश टकैत होण, सर 307 353 120 भी कई वड्डियां धारावां दे तहत आज मुकदमा जितने दर्ज कर। सियासतदान है थोड़े भारत च, 90% ते FIR नहीं दर्ज है। फिर की हो गया, आफत आ गई। जे 25-25 साल नजारा ले सकते हैं, साढ़े तो सच्चे इन्होंने तो जीती जाना है। ये तो पहले झटके च तरीक टुट जाना है, गवाही नहीं देनी किसी ने, गवाही कौन देगा जी। है ना। बिल्कुल। और नाले हुण मीडिया कला चंद लोगों के थले रहा, हर बंदा मीडिया है, सच्चिया खबरां पाउणा है। पुलिस नाल तकरार दीआं वीडियो तां आ गईआं, पर जिहड़ा लंगर छकाया पुलिस ने, जी जिहड़िया बीबियां दे सट्टां लगियां उहनूं चक के लिआ, जी जिहड़े अपने बजुर्गां ने उत्थे मूहरे बांह पा के सिपाहियां दीआं जानां बचाईआं, जदों कई वारी तकरार च थोड़े देखो अंदोलन करना, अंदोलन हिंसक है या अहिंसक है, इहदी जिम्मेदारी भी सिस्टम दी हुंदी है। जी। और ये जो सड़कों तो चुकाता जी, ये नहीं चुका सकते। जिहड़ियां सड़कां बनियां ट्रैफिक लई, ओह मुजाहरे लई भी बनियां, कानून उहदी मान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ जी सर, राकेश टकैत दी भावुक अपील एक बार फिर ऊर्जा पूगी लखां किसान। भावुक अपील ही, बंदा ही भावुक हुंदा है। देखो जे तुसीं नहीं पाओ फिर तो तुसीं सियासत करोगे, फिर तो तुसीं टेबल ते प्लान करोगे कि हुण इदां गेम पा के आए खेड जानी है। जिदां सियासत जिहड़े जिहड़े किसानी दे नाल जुड़े आ, जिहड़े लीडर आ, ये भावुक आ यार। तुसीं इह ना सोचो कि टकैत साहब अज रोए आ, हर पंजाबी हर हरियाणवी खेती करन वाला हर बंदे दा दिल रोंदा, अज दा रोंदा। मान साहब लास्ट सवाल, लास्ट सवाल है मेरा, अपनी जथेबंदियां नूं प्रदूषणबाजी नहीं करनी चाहीदी कि फलाना गद्दार आ इन्हां नाल साडी बनदी। तुसीं जिहड़े पत्रकार हो, बेनती मेरी बड़ी सिनेमर है, छोटे भाई हो तुसीं, जी सर, तुसीं अग लाउणी छड्डो, ला के डब्बू पा तेरा काम छड्ड दिया आपां, तुसीं सुहिरद हो जाओ। तुहानूं कोई नैगेटिव गल पता भी लगदा, दब जाओ उहनूं, पी जाओ जी। हाँ तुसीं अपने स्टूडियो खोलो, बड़े असीं दुआ करदे हां जी, ते तुसी फिर उत्थे डिबेट रखियो जो जित जाएंगे कि भाई आह बंदे ने आह रोल पाया सी, आजा भाई जवाब दे दे, हर बंदा जवाब दे दे। आपां इक मिनट छत ते इक मिनट थले आ ना करिए, इदां ना करिए, आदतां छड्ड दी। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਹ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਕਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਰੂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੋ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਉਹ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਉਹ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਾ ਇਹਦਾ ਦੌਰ, ਮਾਮਾ ਦੌਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਭਰਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਵਾੜ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ UP ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ।
नहीं, हाँ इतनी वीडियो जो पड़ी हुई थी मैंने तो वही देखी है जो मतलब मिली है मुझे। हाँ जितनी बातें की अच्छी की है। ये तो है वैसे। हाँ और नहीं, उनका असल तो सिस्टम की खराबी होती है, चाहे वो किसी भी दौर में हो, और उनको ठीक होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठती है वो भी, जैसे और जो सिस्टम। मेन चीज़ वो है जो हमने पहले भी 2-3 दफ़ा ये बात जिक्र किया भी है, बेशक इस पे लोगों ने एतराज़ भी किया या जो भी, हमें ये नहीं कहा कि इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं है और ये वो बात, लेकिन जो आज उन्होंने भी कर दिया, तो शायद हो सकता है कि अब लोग इससे इतफाक़ करें कि आपस में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना, तो उसको बाहर नहीं फैलना चाहिए और ना ही बाहर तक जाना चाहिए। अगर कोई फूट पड़ रही है, कोई इख्तलाफ पैदा हो रहा है, उसको अपने तक रखें, किसी चार दीवारी के अंदर बैठ के आप उस पे बात बहस कर करें। लें और उसको हल करने की कोशिश करें। इतना बड़ा मुद्दा ना उठाएं उस पे, अव्वल तो पहली बात, अगर उठाना भी है तो उसको जैसे कहा आराम से उसको हल कर लिया जाए, या अभी के लिए उसको दबा दें, फिर उसको लिख लें कि हाँ एक है इशू, जब जीत जाए, जब ये सारा कुछ हो जाए, फिर उस पर डिबेट दोबारा कर लें कि हाँ जी तुसी ऐ कीता सी, ऐ तुहाडा मसला सी, हुन दसो की करना है। आप उस टाइम पे बैठ के सारे अपने मसले सुलझा लें, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो मेन चीज़ है उससे फिर फोकस हट जाता है, और वो फिर जो आपकी ऑपोजिशन है उसके पास फिर आप एक पॉइंट उनके पास चला जाता है, एक चीज़ मिल जाती है उनको कि जिसको वो एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल मीडिया वो इतना यानी कि अवेयरनेस हर एक के पास फैलती है, और इतना यानी कि क्या कहते हैं ओपन मीडिया, और कोई मीडिया भी जो है वो ज़्यादातर नेगेटिविटी जो है स्प्रेड करता है, और उसमें ये है कि वही आग लगाने वाली बात जैसे कह रहे हैं, और जो असल सूरत हाल होती है वो नहीं बताती है वो बातें। जैसे उन्होंने कहा है कि वहाँ जो कुछ हुआ उसमें बीबियाँ भी जख्मी हुई हैं, वो तो नहीं बताया या दिखाया गया कि उन्हें पर भी लाठीचार्ज हुआ होगा तो जख्मी हुई होंगी ज़ाहिर है उसमें। और जो पॉजिटिव काम हुए हैं कि जो पुलिस वाले हत्थे चढ़ गए हुए थे मॉब के, उन्हें जब बचाया गया तो वो भी तो बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 47 में भी ज़्यादातर यही बताया गया कि उन्होंने मारा पीटा ये किया वो किया, लेकिन उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो दूसरे मजहब के लोगों को बचा रहे थे, वो भी है, और दूसरा ये उन कि वहाँ पे उनके उनके काम आ रहे थे। तो वही है कि प्रोपेगेंडा जो है वो जो ज़्यादातर नेगेटिव होता है ये मीडिया का। नहीं असल में वो अब बात ये है ना कि वो उनको क्या पड़ी, वो तो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए, वो जो जहाँ से उनको जिस तरह से गाहक अच्छा मिल रहा है, वो वहाँ पे उतने तंजीम की उन्होंने चीज़ वो चलाते उतने की बेचनी है। आपको अगर 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो आप क्यों चाहेंगे कि आपको यानी कि एक चीज़ घाटे में जाए आपकी, सीधी हैं। सी और साफ सी बात है। तो वो कोई आपके सगे थोड़ी है या कोई आपके लिए तो काम नहीं कर रहे, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप ना दे ना उनको कोई मिर्च और मसाला, आप ना दे, आप उनको कोई सुर्खी ना दे। बहरहाल बड़ी सूरत हाल ख़राब भी हुई है क्योंकि पानी बंद किया गया है कई मोर्चों पे जो है वो वो तो मुझे आने के पानी। बाद किया ना, हाँ लेकिन जो उस वक्त जब हुआ भी है तब काफ़ी लोगों ने ये बताया हमें, कहता मैसेजेस करके, और बहुत सारी चीज़ें हमें वीडियोस भी भेजी गई हैं, उनमें ये कहा गया है कि असल में पहली शुरुआत जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू हुआ है, वहाँ पे फायरिंग शुरू हुई है, एक लड़के को बाकायदा गोली मारी भी गई है, पैर पे गोली लगी है, फिर एक लड़के की तस्वीरें भेजी गई हैं जिस पे इनकी पूरी लाशें पड़ी हुई हैं उसकी, ठीक है, अभी मार भी मार के बुरा हॉस्पिटल्स असर में किया हैं हुआ है। लड़के बहुत हाँ सारे बच्चे जो एक है हमारा वो जानने वाला, उनका हॉस्पिटल्स गिटार में हैं। टूट गया हुआ है, बाकायदा हाँ वो हाँ अपाहिज हो गए हैं फिल वक्त के लिए, अल्लाह ना हाँ करे कि वो, वैसे तो अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए वो, लेकिन फिल वक्त के लिए उनको भी मुसीबत है, रोज़ाना वो अस्पताल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, पड़े हैं। जिनकी वजह से वो धरने में जो कह रहे हैं कि लोग नहीं हैं या अब वो कम हो गए हैं, वो आधे से ज़्यादा तो तुम लोगों ने नहीं मार मार के उनको अस्पतालों में अस्पताल पहुँचा पहुंचाया दिया, तो जाहिर सी हुआ बात है वो कम हो नहीं है। फिर वो जो हेलीकॉप्टर से आके वो कहते हैं जी के बकायदा वो पता नहीं क्या बॉम्ब फेंके गए हैं, जो वो जो पेट्रोल वाले जो बना के, और इस तरह की, और पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब अच्छा मुझे वैसे एक खबर आई है अमृतसर से कि उन्होंने पानी तो ले जाने नहीं दिया या बंद कर दिया था उनका, तो उन्होंने वहीं पे बोर निकाल लिया अपना अच्छा पानी का। किया, हाँ अच्छा अपना पानी किया, अच्छा का किया। बंदोबस्त भी खुद ही कर इनका लिया हाल ही है इन बहरहाल अब जो है आगे पुरमन तरीके से रहें और अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म होके जैसे पहले इतने दिन बैठे रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
मैं तो कहता हूँ और अपने जो है मांगे हैं वो पूरी करा के यहाँ से निकले जाए। मांगे पूरी हो भी जाए, यहाँ पे एक किसानिस्तान बना के जाए, इर्द गिर्द अपनी पूरे ना अपना पूरी कॉलोनी बना जाए। हाँ, छोटे छोटे घर बना के ना, दो दो मरले, तीन तीन मरले के ना बकायदा घर खड़े कर दे वहाँ पे इर्द गिर्द। नहीं, वो तो उन्होंने ऐलान किया है, वो जो वो करीब के जिस ये बैठे हुए हैं महाज पे, वहाँ जितने इर्द गिर्द लोग हैं, आबादियाँ हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कहते हैं कि हमें तो फ़ायदा हो गया, हम हाँ, तो उनके लिए दो टाइम, मुस्तकिल लंगर लगा हाँ, दे तो वहां पे हमेशा के लिए। वो ऐलान हो चुका है। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम एक वो बना जाएंगे गुरुद्वारा बहुत जिसपे जबरदस्त। हर वक्त लंगर जो है वो जारी रहेगा उनके लिए, जो गरीब शर्म करनी चाहिए आवाम गवर्नमेंट को, ये वाली उनकी के वो जो इतना कुछ वो कर जो रहे हैं। उनको देना हाँ, चाहिए खाना, वो ये लंगर जो है ये गुरुद्वारे वाले देंगे, और ऐसी सोच के पंजाबी लोगों को देंगे वो आके, इतना तंग कर रहे हैं, और ये शर्म करनी दिल्ली चाहिए। और यूपी वालों को देके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी बातें, हमेशा से दानिश्वराना बातें होती हैं इनकी और अच्छा लगता है। नहीं जी, ये था इंटरव्यू, थोड़ा सा कम था शायद मेरे ख्याल जी में, हमें जो लगा है, क्योंकि शायद कुछ बातें थी जो करने वाली उनकी। अब पूरा अगर मिलेगा तो कहीं पे देखूंगा, लेकिन जितना कहा बहुत अच्छा कहा, और हमेशा की तरह। बाकी देखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।